वक्त आप से हमने मुलाकात करवानी है एक ऐसी शख्सियत की जो वैसे तो एक टैटू आर्टिस्ट हैं और पेंसिल पर बेहतरीन नक्श निगारी की माहिर हैं। पेंसिल पर नक्श निगारी करके कई चीज़ें भी बना चुकी हैं, पेंसिल के ऊपर नक्श निगारी करके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये शौक इनमें कैसे पैदा हुआ, ये कैसे उन्होंने करना शुरू किया, हाउ डिड शी लर्न दिस ऑल, यही हमने इनसे पूछना है। हमारे साथ माविश सुल्ताना मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या बता सकती हैं। माविश, वेलकम टू एक्सप्रेस वे, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सही हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट टू टॉक टू यू, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही, इट्स अ फॉर्मल एंड काइंड ऑफ अ टिपिकल क्वेश्चन, बट जानना जरूरी है, वेयर डिड यू स्टार्ट, शौक कैसे पैदा हुआ और ये करना सीखा कहाँ से आपने, इतना मुश्किल काम? ये मेरी जो शौक है ये बचपन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज यंग आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड एंड डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद माय फादर, तो मुझे खिलौने नहीं मिलते थे तो मैं खिलौनों को ड्रॉ करके बना लेती थी अपने स्केच बुक पे, और इसी तरह टूथपिक्स होते थे, पेंसिल्स होती थी, और क्या कहते हैं टूथपिक पेंसिल्स, और इन चीज़ों से मैं खेला करती थी, मैच स्टिक्स से खेला करती थी मैं, तो आई वुड प्ले विद पेंसिल्स, लाइक कार्व देम, तोड़ दिया, चीज़ें बना ली पेंसिल से। फिर ऑफकोर्स ओवरऑल मेरा जो बैकग्राउंड है आर्ट से रिलेटेड ही रहा, बट देन फ्यू इयर्स अगो आई सॉ दिस आर्टिस्ट इन कैनेडा, जो ही वाज मेकिंग स्टैचूज ऑन ग्रेफाइट द टॉप ऑफ द पेंसिल टिप, तो मैं सोचा कि दिस वाज लाइक अ चैलेंज फॉर मी। मैंने कहा कि आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद जो पेंसिल आर्ट है, जो पेंसिल से जो मैं खेला करती थी बचपन में, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं ये करके देखूँ। तो ऑफकोर्स पहले तो मैंने बहुत पेंसिलें तोड़ी बहुत, लेकिन फिर उसके बाद आगे जाके सिंपल शेप मेरे से बन गई, एंड इट वाज लाइक अ सक्सेस, एंड और ये था कि मैंने कहा कि अब मैं क्यों ना और शेप्स बनाना शुरू करूं, तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ रोज एंड फ्लावर्स, एंड आई थिंक आई स्टार्टेड विद द सिंपल शेप। ओके, यू कैन सी, ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। यस, एंड देन और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने कायदे आजम साहब बनाए, जी तो ये बहुत बारीकी का काम है। पेंसिल से आप खुद कह रही हैं कि लेड इतना ज़्यादा वो जो कह लें डेलिकेट होता है, उस पर एक आर्ट करना इटसेल्फ बड़ा डिफिकल्ट है, उसमें आपकी आई साइट और सारी चीज़ें, आपका फोकस बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, सो हाउ डू यू डू इट? Of course, I need magnifying glass. Okay. शुरू में मैं उसके प्रयास करती थी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि और डिटेल में जाने के लिए आई नीड मैग्नीफाइंग ग्लास, सो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ब्लेड होता है, आर्ट नाइफ थी मेरे पास, शुरुआत मैंने वहीं से की। फिर मैंने सोचा कि अच्छा और डिफरेंट टूल्स मेरे पास होने चाहिए, तो मैंने मोबाइल फोन के जो टूल्स होते हैं छोटे छोटे बारीक होते हैं, तो वो थोड़े बहुत उसमें से मैंने कुछ सामान लिया, कुछ मैंने छोटी ब्लेड्स ली, कुछ सुई का मैंने सहारा लिया, जो सुई धागे की सुई होती है, टू गेट द डिटेल्स आउट, छोटी छोटी चीजें, मुख्तलिफ चीजें जमा करके मैंने एक पैकेट बना लिया अपना टू क्रिएट समथिंग। और ये जो पीसेस हैं, आई विल कॉल देम मास्टर पीसेस, ये कमर्शियली अवेलेबल हैं, अब आप इनको लोगों के लिए, लोग इनको खरीद सकते हैं? लोग खरीद सकते हैं, मैंने आज तक एग्जिबिट नहीं किया, इट वॉज लाइक अ पर्सनल हॉबी थिंग, आई नेवर इंटेंडेड के मशहूर हो जाएंगे। मैविस, तो ये पाकिस्तान के अंदर आप ये जो आर्ट फॉर्म हम जिसको डिस्कस करें, इसका कितना स्कोप है, और आपने खुद कहा कि अभी तक आपने एग्जिबिट नहीं किया, एनी फ्यूचर प्लान्स कि आप उसकी कोई एग्जिबिशन करेंगी अपने आर्ट पीसेस को लेके? अब शायद सोचा हुआ है, लेकिन मैं इतनी मसरूफ होती हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मैं एग्जिबिट कब करूंगी, किधर करूंगी, आई हैव नो प्लान्स, और अभी सच के इस रस्ते पे जाने एग्जिबिट करना है, I just keep working on them, but इसमें स्कोप अगर आप बात करते हैं कि इसमें ये है कि यू कैन क्रिएट समथिंग फॉर अ ब्रांड, फॉर अ टी बैग ब्रांड या कोई ऐसी ब्रांड के लिए आप एक शेप बना देते हैं, तो वो लाइक फॉर शूज यू कैन मेक अ शू एग्जैक्टली जो ब्रांड का है, और it could get famous like that. क्योंकि और एक दो आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से काम करते हैं इसमें। अच्छा, लेकिन काम आपका बहुत यूनिक है, वी मस्ट से, और आई थिंक लोगों तक पहुंचना भी चाहिए, सो थोड़ी एफर्ट इसमें लगाइए ताकि लोगों तक ये पहुंचे। आपने शुरू में जिक्र किया कि यू हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड,
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए वो चाइल्डहुड इस वक्त डिफ़िकल्ट होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स जो भी हों मसाइल, लेकिन उस डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड से आपने एक अपॉर्चुनिटी निकाली और उसने आपको एक आर्टिस्ट बना दिया। अगर इस वक्त कोई टीनेज गर्ल, कोई टीनेज बच्चा आपको देख रहा है और वो भी इसी मुश्किल का शिकार है, तो इसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे पैदा करे, वो कैसे सीखे कि वो भी अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करे बजाय इसके कि वो डिप्रेशन में जाए, ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचे, उसके लिए आप एक बड़ा अच्छा मैसेज दे सकती हैं आई बिलीव, बिकॉज यू हैव बीन फेसिंग दिस ऑल। मैं यही कहती हूँ कि अगर आप बहुत डाउन है, डिप्रेस हैं और आपको लगता है कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आप सिर्फ अपनी स्केचबुक और एक पेंसिल ले लें और आप उस पर जो कुछ भी है, अच्छा आप लिख भी सकते हैं, यू कैन इवन जर्नल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू एंड यू कैन इवन ड्रॉ समथिंग। मेरा ये था हाउ आई डेल्ट विद इट इज दैट व्हेनेवर आई नीडेड अ टॉय माय फादर वुड नॉट बाय मी वन, सो आई वुड जस्ट मेक वन ऑन माय स्केचबुक और मेरे पास वो चीज़ आ जाती थी। इसी तरह मैंने चीज़ें बनाई, इसी तरह से मैंने आर्ट वर्क किया और जो पेंसिल्स पे मैं शेप बनाती थी, मैच स्टिक से मैं घर बना लिया, उससे खेल लिया इंस्टेड ऑफ अ डॉल हाउस। तो इस तरह से वक्त मेरा निकल गया। आई डिडंट गेट इनटू, आई डिडंट इंडल्ज माय सेल्फ इनटू बैड हैबिट्स और एनीथिंग, आई डिड दिस इंस्टेड। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच महवेश, बहुत शुक्रिया। और इन द एंड आप ये बताएं कि जो आप टैटू पहले इसको बनाती थी, टैटू आर्टिस्ट थी, क्या अभी आप उसको परसू कर रही हैं? जी, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट इन इंडियन स्टूडियो एट द मोमेंट, और ये भी बहुत बारीक काम है, एज यू कैन सी यू हैव टू वर्क विद अ वेरी फाइन नीडल, और वो नीडल जब आप गुजार रहे होते हैं किसी की स्किन पे, देन इट्स परमानेंट, सो यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक एट ऑल, सो इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी मिस्टेक्स। तो हम लोग उस पर बहुत करते हैं फोकस के हमारा लाइन वर्क बहुत स्ट्रांग हो और बिकॉज़ इट्स परमानेंट। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच महवेश, हमारे पास टाइम कम था बट स्टिल इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, और आपका आर्ट फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है, आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि आप अपनी एग्जिबिशन या अपने आर्ट पीसेस को दुनिया को दिखाएं, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल टैलेंट जिस तरह से बारीकी से आप काम करती हैं।